यमा R15 वर्जन 3 एक ऐसा बाइक जो हमेशा यंगस्टर्स के बीच में काफी फेमस रही है, लेकिन कोई भी बाइक खरीदने से पहले आपको उनके पॉजिटिव के साथ साथ में नेगेटिव चीजों के बारे में भी जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप यमा R15 V3 के पॉजिटिव चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख कर आइए। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि R15 V3 के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको गाड़ी खरीदने के बाद फेस करने पड़ेंगे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में 5 ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जो डेली लाइफ में इस बाइक को यूज करने में आपको फेस करना होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 वो है इसका कंफर्ट। इस गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव सिटिंग पोस्चर मिलता है, इस वजह से कंफर्ट आपको ना के बराबर मिलता है इस बाइक में। अगर आप इस बाइक को लेते हैं लॉन्ग टूरिंग के लिए तो ये बाइक बिल्कुल भी उसके लिए सूटेबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी डेली रनिंग 60 किलोमीटर से ज्यादा है तो भी ये बाइक आपके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो सीटिंग पोस्चर है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इस वजह से गाड़ी को आधा घंटा एक घंटा चलाने के बाद आपके बैक में, शोल्डर में, हैंड्स में पेन होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। R15 वर्जन 3 के जितने भी यूजर्स हैं वो यही कहते हैं कि गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव में ले जाने के बाद, इनफैक्ट 50 किलोमीटर जाने के बाद ही पेन शुरू हो जाता है बॉडी में। यूजर रिव्यू के मुताबिक पहले 1-2 महीने में पेन उतना ज्यादा महसूस नहीं होता है, लेकिन 2 महीने के बाद अगर आप कंटिन्यू इस बाइक को राइड करते हैं तो पेन आपको बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है। लेकिन अगर आपकी रनिंग 40 किलोमीटर से कम है तो ये बाइक बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है, वहां पर कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगा। प्रॉब्लम नंबर 4 इसकी प्राइसिंग। इसका प्राइस अगर आप देखें तो ये 150-160 cc सेगमेंट में सबसे महंगा बाइक में से एक है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो R15 वर्जन 3 में इन्वेस्ट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। R15 वर्जन 3 के कई कम प्राइस में आपको 200 cc के बाइक्स मिल जाएंगे जो इससे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस में है, फीचर्स भी आपको मिलेंगे और साथ साथ में आपको कंफर्ट भी मिलेगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से R15 वर्जन 3 एक ओवर प्राइस्ड बाइक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं करता है। प्रॉब्लम नंबर 3 वो है इसका पिलियन कंफर्ट। चलिए राइडर कंफर्ट पे थोड़ा बहुत हम कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी में होने की वजह से इसमें आपको पिलियन कंफर्ट भी नहीं मिलेगा। पिलियन सीट बहुत छोटा सा है, पीछे कोई ग्रैब हैंडल्स नहीं है, इस वजह से पिलियन के लिए कंफर्ट ना के बराबर है। पीछे बैठकर आप 20 से 30 किलोमीटर से ज्यादा जा ही नहीं सकते, आपके पीछे दर्द होना शुरू हो जाएगा, बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा। पिलियन कंफर्ट में एक चीज और ऐड होता है कि इसमें लेडीज लोग बैठ नहीं सकते। अगर आप अपने मम्मी को बिठाना चाहते हैं तो ये बैठ नहीं सकते। अगर दोनों तरफ पैर करके बैठ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर सिंगल साइड दोनों पैर करके बैठते हैं लेडीज लोग इंडिया में तो वो चीज जो है R15 V3 में बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग बिठा लेते हैं, चला भी लेते हैं, लेकिन कंफर्टेबल जर्नी नहीं मिल पाता है। अच्छे रोड्स पे तो आराम से जा सकता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा गड्ढा वाला रोड आएगा तो वहां पर पीछे जो बैठा हुआ है वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगा, और प्रॉपर ग्रैब हैंडल ना होने की वजह से, प्रैक्टिकल ग्रैब हैंडल ना होने की वजह से वो गिर भी सकता है। पिलियन के लिए तीसरा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि कीचड़ में, यानी कि अगर आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं या फिर कीचड़ वाले रास्ते से गाड़ी को निकाल रहे हैं तो वहां पर जो पीछे बैठा हुआ है उनको कीचड़ से ये भिगा देगा। तो अगर आप बारिश के मौसम में इसमें पिलियन को बिठा के चलाते हैं तो पिलियन भीगने वाला है, ये आप लिख लीजिए। दोस्त, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो यूजर्स द्वारा फेस किए जा चुके हैं R15 वर्जन 3 में। प्रॉब्लम नंबर 2 इसका सर्विस कॉस्ट भी हाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि R15 V3 में कितना सर्विस कॉस्ट आता है तो आई बटन में एक वीडियो बनाया हुआ है हमने, वो आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसका सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा हायर साइड में है। इससे कम सर्विस कॉस्ट में आप एक 200 सीसी की बाइक या फिर एक बुलेट भी आराम से रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, R15 कोई सुपर बाइक नहीं है, वो 150-160 सीसी के अंदर ही बाइक है जो थोड़ा बहुत फीचर्स के साथ में, थोड़ा एक्स्ट्रा पावर के साथ में आता है, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा सर्विस चार्ज देना मुझे और तो नहीं लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप पावर चाहते हैं या फिर पिकअप चाहते हैं, फीचर्स चाहते हैं, तो आप अपाचे 200 4V को देख लीजिए, वो काफी बेहतरीन बाइक है R15 V3 से। इसके बाद जो प्रॉब्लम मैं बताने वाला हूँ वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, गाड़ी के रख रखाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे यूजर से कहते हैं कि R15 V3 में जो प्लास्टिक यूज हुआ है, जो फाइबर यूज हुआ है, वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है। साल भर में तो ये पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 2-3 साल रखते हैं तो प्लास्टिक जो है कहीं कभार से आवाज निकलना शुरू हो जाता है, कहीं से प्लास्टिक निकलना शुरू हो जाता है, टैंक के ऊपर जो प्लास्टिक लगा हुआ है वो ज्यादातर दिक्कत करते हैं। अब देखिए, R15 V3 के अंदर मेन चीज है प्लास्टिक। प्लास्टिक ही आपको गाड़ी के हर जगह देखने को मिलेगा। अगर प्लास्टिक क्वालिटी ही गाड़ी का खराब होगा तो वहीं पर आपको 1-2 साल में गाड़ी में दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। अब डेली यूज में कभी कभार बाइक को धूप में या फिर बारिश में खड़ा करना पड़ता है। अब इसी वजह से अगर प्लास्टिक बोलना शुरू हो जाए तो यहाँ पर प्राइस जो है वो और तो मुझे नहीं लगता है। तो दोस्तों, यही थे यामा R15 V3 के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स देखने
के बाद भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका बजट उतना अलाउ करता है तो आप 200 या फिर 250 सीसी की कोई बाइक उठा लीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, गाड़ी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज आगे देखने के लिए।